हमारी वीडियो उन सभी टीचर्स के लिए या टीचिंग फील्ड में जो इंटरेस्टेड है उन सभी के लिए यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि एक ऐसी ही वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर करूँगी जहाँ पर एक फ्रेशर स्टूडेंट, सिर्फ अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास है, अगर आप खुद भी अभी स्टडी कर रहे हैं तो भी आप इस फील्ड में वर्क कर सकते हैं, यहाँ पर टीचिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे लोग होम ट्यूशन ओपन करना चाहते हैं या बेसिक पार्ट टाइम इनकम अर्न करने वाला चाहते हैं, स्पेशली वो सारे हाउस वाइफ जो कि घर पर रहती हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन ले रखी है बट वो बाहर नहीं जा सकती है या किसी को ट्यूशंस नहीं दे सकती है, तो ये वेबसाइट पे जो कि रजिस्टर कर सकते हैं जहां पर आप छोटे स्टैंडर्ड से, विच मींस कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड को भी सिखा करके अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मैं आपको 1 से 1.5 साल पहले काफ़ी सारे होम ट्यूशन से रिलेटेड टिप्स दिया करती थी, आपको सारी चीज़ें बताया करती थी, तो उसी को ध्यान रखते हुए आज जो कि वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जहां पर आप सभी रजिस्टर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि यहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहां पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। मेक श्योर करें इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी किस तरीके से यहां पर आपको वर्क करना है, अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं तो भी कैसे आप यहां पर वर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लें, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स हम आपके लिए डेली बेसिस में लेकर आते रहते हैं। सो आज की जो हमारी वेबसाइट है उसका नाम है मेथडेमी। नाउ ये जो कि एक वेबसाइट ऐसी है जो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर अप टू 12th स्टैंडर्ड तक के जो कि है मैथ सब्जेक्ट में टीचिंग टीचर्स प्रोवाइड करती है, विच मीन्स कि आप जैसे लोग अगर आपका मैथ्स काफ़ी अच्छा है, अगर अच्छा नहीं है तो आप जानते हो कि बेसिक प्लस माइनस डिवीजन के सम्स तो आप कर ही सकते हो, तो आप छोटे स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर सिखा सकते हो, जिसको भी बहुत ज़्यादा मैथ्स में नहीं आता है, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर आप बेसिक जो कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन ये सारी चीज़ें सिखा सकते हो, मैच एंड ऑल ये सारी चीज़ें सिखा सकते हो, तो आप यहाँ पर फिर भी रजिस्टर कर सकते हो, और अगर आप काफ़ी अच्छे एक्सपर्टीज हो मैथ सब्जेक्ट में तो यहाँ पर आप हायर स्टैंडर्ड को सिखा सकते हो, क्योंकि आप जितने अच्छे और जितने हायर स्टैंडर्ड को यहाँ पर सिखाओगे उतनी ही अच्छी इनकम यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, बेसिक यहाँ पर अगर आपकी एज 18+ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, एक स्टूडेंट अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हो या फिर अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हो तो भी आप इस जो कि है प्रोफाइल पे इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आप एक स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी बेसिक 12th पास होने चाहिए, आप 12th पास हो, ग्रेजुएटेड हो, अंडर ग्रेजुएटेड हो तो आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो, अगर आपने मैथ सब्जेक्ट में या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है तो भी आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। नाउ ये जो कि वेबसाइट है आपको काफ़ी अदर बेनिफिट्स भी देता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताया जो कि मैं आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। व्हाई टीच विद मेथडेमी, नाउ यहाँ पर आपको क्यों टीच करना चाहिए ये प्लेटफॉर्म के साथ, सबसे पहले देखिए टर्न योर पैशन इनटू योर रिवॉर्डिंग करियर। नाउ यहाँ पर देखिए काफ़ी लोगों को टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट होता है बट उनको जो कि राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि कहाँ पर हम ये करियर को स्टार्ट करें, कहाँ से हमको बूस्ट मिले, तो ये जो कि प्लेटफॉर्म है आपको काफ़ी जो कि अच्छा ग्रोथ देने वाला है। यहाँ पर आप वर्क करेंगे, काफ़ी रिवॉर्ड्स आपको दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं जो कि आप अटैच कर सकते हो अपने रेज्यूम में, और उसके बाद कहीं भी क्लासेस में, कोचिंग सेंटर्स में या स्कूल्स में कहीं पर भी आप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो थ्रू देयर सर्टिफिकेट्स एंड रिवॉर्ड्स। नेक्स्ट आप देखेंगे तो मेक मनी वाइल मेकिंग अ डिफरेंस। नाउ यहाँ पर देखिए आप जितने सब्जेक्ट्स को सिखाएंगे, जितने स्टैंडर्ड्स को सिखाएंगे और जितने आर सिखाएंगे उतने ही अच्छा इनकम यहाँ पर आप ऑन करने वाले हैं। मान लो कि अगर आप एक दिन में 1 घंटा सिखाते हो किसी भी स्टैंडर्ड को, एक टाइम पे एक ही बच्चे को आप सिखा सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखा रहे हो तो एक टाइम पे एक ही बच्चे को आप सिखाएंगे और जितना भी उसका मंथली जो कि अमाउंट बनता है वो डायरेक्टली आपके बैंक ट्रांसफर में आपको दे दिया जाता है। यहाँ पर इतने भी अमाउंट हो जाते हैं जो कि आपको चेक के थ्रू में जो कि पे किए जाते हैं। फोकस ऑन ट्यूटरिंग, फ्लेक्सिबल आवर्स एंड शेड्यूल्स आपको मिल जाता है। नाउ यहाँ पर एक टाइमिंग बन जाता है, जैसे कि अगर आप होम ट्यूशन लोगे तो 5 से 7 या 7 to 9 या जो भी आप आवर्स में लेते होंगे उसी आवर्स का यहाँ पर भी आपका टाइम शेड्यूल कर दिया जाता है इनके टीम मेंबर्स के साथ, बट इन केस कभी आपको प्रॉब्लम होता है या आपको उस टाइम को शिफ्ट करना है, एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है कि आप उसे शिफ्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको सेम टाइम पर डेली जो कि ट्यूशंस को ले सकें। यहाँ पर आप देखेंगे तो वॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द ट्यूटर्स, नाउ इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वो सारे डिटेल्स आपको दिए गए, कुछ मैं यहाँ पर आपको रीड करके दिखाती हूँ। देखिए ही मस्ट हैव साउंड एंड एक्सपेंसिव नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस द नीडेड क्वालिफिकेशन टू सपोर्ट दी सेम। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, वंस आप यहाँ पर जो कि सब्जेक्ट, वंस यहाँ पर आप स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर उसी स्टैंडर्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपको छोटा सा टेस्ट क्रैक करना होगा, उसी बेसिस में यहाँ पर आपकी सिलेक्शन होने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपको चाहिए होगा, मस्ट टीच मैथ्स
मैथ्स यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर आपको सिखाना होगा उनको. इसके बाद आप देखेंगे तो ही और शी मस्ट बी एबल टू कैटर टू अ वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी एंड टीच वन स्टूडेंट्स एट अ टाइम. तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया एक स्टूडेंट को एक टाइम पर आपको सिखाना होगा. इम्पार्ट नॉलेज अबाउट दी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मैथ्स अपार्ट फ्रॉम थियोरिटिकल वन. नाउ जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे जो कि है थियोरिटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज लेना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं. अगर आप उनको कुछ एक्टिविटीज़ दे सकें या कुछ आपके लेक्चर में एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर सकें तो ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा जो कि स्टूडेंट एंगेज रह सकते हैं. एट द सेम टाइम यहाँ पर जो कि आपको स्टार रेटिंग भी दी जाती है, जितना आप अच्छा टीचिंग करेंगे या जितना अच्छा आपका यहाँ पर जो कि टीचिंग करने का तरीका होगा उसी के बेसिस में यहाँ पर स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स के द्वारा आपको स्टार रेटिंग दिया जाता है. जितना अच्छा आपका यहाँ पर स्टार रेटिंग बनता है उतनी ही अच्छी इनकम और उतना ही आपका डिमांड होता है, विच मीन्स कि आप अपना प्राइस जो कि सेट कर सकते हैं. फिलहाल में जो कि ये आपको जैसे कि अगर आप एक फ्रेशर होंगे तो ये कंपनी के द्वारा आपको जो कि प्राइस लिस्ट दी जाएगी उसमें से आप सिलेक्ट करेंगे. बट अगर आपकी रेटिंग काफ़ी अच्छी होती है, आपकी ग्रोथ होती है यहाँ पर, तो आप अपना खुद का प्राइस जो कि यहाँ पर सेट कर सकते हैं. तो इस तरीके कुछ यहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म है. यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे आपको फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन मिल जाते हैं, विच मीन्स कि कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं. जैसे कि हाउ डू आई बिकम एजुकेटर, यहाँ पर आप देखेंगे तो हाउ डज शेड्यूलिंग वर्क, यहाँ पर कैसे शेड्यूल किया जाता है. डू आई हैव फुल टाइम ट्यूटरिंग, तो जॉब यहाँ पर अवेलेबल है क्या. जैसे कि आप जानते हैं कि ट्यूटरिंग एक पार्ट टाइम जॉब होता है, बट आप एक फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं तो भी आप इस प्लेटफॉर्म को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप फुल टाइम के हिसाब से एक किसी भी कंपनी में वर्क करेंगे, जितना अमाउंट आप फुल टाइम के लिए अर्निंग करेंगे उतना ही अमाउंट इस वेबसाइट से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे हाउ मच डू आई गेट, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि मंथली जो कि ये फंड्स पेमेंट दी जाएगी थ्रू डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर और चेक के थ्रू यहाँ पर आपको दिया जाएगा पेमेंट. नेक्स्ट यहाँ पर और भी डिटेल्स है, रीड कर सकते हो. यहाँ पर आप देखेंगे तो naukri.com पे भी सेम जो कि प्रोफाइल का यहाँ पर जो कि पोस्टिंग किया गया है प्रोफाइल, यहाँ पर आप देखेंगे तो वन टू वन मैथमेटिक्स ट्यूटर की यहाँ पर ज़रूरत है, स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशनल कंटेंट डेवलपमेंट, यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है. अदर बेनिफिट्स में आप देखोगे तो कंपनी के द्वारा आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, फ्री स्नैक्स दिया जा रहा है और काफ़ी सारे चीज़ें. ग्रेजुएशन देखिए, एनी ग्रेजुएट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपके क्वालिफिकेशन कम है तो आप जो कि लोअर स्टैंडर्ड्स को सिखा सकते हैं, बट आपका ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है मैथ्स, इसमें आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए. यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं. ये ट्यूटर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे यहाँ पर रहने वाला है, तो देखिए अप्लाई करना है आपको सबसे पहले, जो कि अभी फॉर्म में आपको फिलअप करके दिखाऊंगी. वंस आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं उसके बाद आपका जो रेज्यूम आप यहाँ पर अपलोड करेंगे उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. वंस वो शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए जो कि कॉल किया जाएगा, इंटरव्यू प्रोसेस होगा जिसमें आपको जो कि 30-45 मिनट्स डेमो लेक्चर देना है, डेमो टीचिंग यहाँ पर आपको करके दिखानी है. वंस आप वो दे देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाती है, और ये सारे प्रोसेस को होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 42 आवर्स लगते हैं, विच मीन्स कि अगर आप अप्लाई करते हो अभी, अगर आपका जो कि वो सिलेक्ट हो जाता है रेज्यूम, तो आपको आज ही कॉल आ सकता है या कल कॉल आ सकता है. और ये प्रोसेस को अगर वंस ये स्टार्ट हो जाता है तो दो दिन के अंदर जो कि काम जो कि कंप्लीट हो जाता है और आप अपना वर्क करना स्टार्ट भी कर देते हैं, जो कि यहाँ पर एग्जैक्टली आपको मेंशन किया हुआ दिख रहा है. एप्लीकेशन फॉर्म ये जो कि है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आपका नेम नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ईमेल आईडी एंटर करेंगे, कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है वो आपको सिलेक्ट करना है. तो वो आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कौन से स्टैंडर्ड को आप सिखाना चाहेंगे, तो लोअर स्टैंडर्ड को या मिडिल या प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी अंडर ग्रेजुएट्स को आप सिखाना चाहेंगे या अदर फील्ड के लिए, वो आपको यहाँ पर पुट करना है. हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट मैथडेमी, मतलब ये प्लेटफॉर्म के बारे में आपको कैसे पता चला है, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है. यहाँ पर आपको आपका रेज्यूम अपलोड करना है, एग्री दी टर्म्स एंड कंडीशन करके आपको सबमिट दी एप्लीकेशन करना है. इस तरीके की कुछ यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं. नाउ मैंने आपको सारे डिटेल्स बता दिए कि कैसे यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, कैसे सिलेक्ट करना है. बात करें कोई इन्वेस्टमेंट की तो नहीं, यहाँ पर आपको कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जाके अप्लाई करिए, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. फिर भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो. ऐसी और वीडियोज देखना चाहते हैं या डेली ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लें. सो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगली वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय.